नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अनुभा कपिल, स्वागत है आप सभी का क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो जो है रेड वेलवेट केक की। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड थी और आज यही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा। यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगी। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ एक बार एटलीस्ट एक बार चैनल पर विजिट करके देखिएगा। यदि आपको कंटेंट्स आपके पसंद के मिलते हैं, आपको ये सूटेबल लगते हैं और डिजर्विंग लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस केक की ओर। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम रेड वेलवेट प्रीमिक्स, और मैं ये प्रीमिक्स से बनाने जा रही हूँ। 200 ग्राम प्रीमिक्स मैंने लिया है, आप इससे कम भी ले सकते हैं 1 पाउंड केक के लिए, पर मैं हमेशा 200 ग्राम से तक ही प्रीमिक्स लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बड़ा बन जाए, ये मेरा वैसे ऑर्डर का केक है, चाहे कुछ ज़्यादा बन जाए पर कम नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स से बना रही हूँ ये केक। और इसके लिए ले रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है ये ऑयल, बिना खुशबू वाला ऑयल। और पानी मैं हमेशा अंदाजे से लेती हूँ क्वांटिटी में। आपको भी हमेशा ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि नाप के पानी मत लीजिए, किसी भी प्रीमिक्स में ज़्यादा पानी ले जाता है, किसी भी कम ले जाता है। और एक बार पहचान कर लीजिएगा, आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कितना पानी चाहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें पानी मिलाना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। और देखिए, लिक्विड थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और आप इस कंसिस्टेंसी की पहचान रखिए ताकि आपको पानी नाप नोल के मत लेना ना लेना पड़े और आप फटाफट इसका बैटर बना सकें। तो देखिए, ये होगी इसकी कंसिस्टेंसी। और मैंने इसमें आधा कप से कुछ ज़्यादा ही पानी डाला होगा, मैंने नापा तो था नहीं जैसे मैंने आपको बताया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। पहले मैं इसमें पानी डालती हूँ, उसके बाद ऑयल बनाती हूँ, क्योंकि इससे इसका परफेक्शन कुछ ज़्यादा अच्छा आता है केक बैटर का। और आपको दिखा देती हूँ कि मैंने केक टिन लगभग पहले से तैयार किया हुआ है, ये हार्ट शेप का केक टिन, और 6 इंच के मोल में आप इसको बना सकते हैं या 5 इंच का मोल में आप इसके लिए ले सकते हैं। तो अब हमें बस अच्छे से इसे कर लेना है मिक्स, और बीच बीच में से किसी भी स्पैचुला की हेल्प से स्क्रैच भी करते रहना है। तो ये लीजिए, हमारा बैटर हो गया है तैयार। मैं आपको एक बार स्पैचुला से भी इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो चुकी है। और अब मैंने पहले से ही माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर सेट करके प्रीहीट किया हुआ है, और इसको मैं 170 डिग्री टेम्परेचर पर 35 से 40 मिनट के लिए इसको मैं बेक करने के लिए रखूँगी। इसको मैं पोर करूँगी इस मोल्ड में, अच्छे से टैप करूँगी, और इसको मैं डाल दूँगी माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर। तो चलिए मिलते हैं इसके बेक होने के बाद। चलिए, केक हो चुका है अच्छे से बेक। मैंने इसको नाइफ से चेक कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है, और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया। अब बारी है इसे डीमोल्ड करने की। तो मैं इसके पहले साइड से जो इसके साइड्स हैं इसको रिलीज़ करूँगी और फिर इसको करूँगी डीमोल्ड। तो जी फ्रेंड्स, केक मैंने डीमोल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो अब करते हैं इसके लेयर्स कट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ऊपर उठा पार्ट इसको निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं और इसके लेयर्स कट कर लेते हैं, और देख सकते हैं इसकी जालियाँ कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी बनाए हैं। तो तीनों लेयर्स कट हो चुके हैं। अब इसको हम शुगर सिरप से पहले हल्का सा मॉइस्चर करेंगे इसका, और उसके बाद फिर भी क्रीम लगाएंगे। और इस पर हम लगाएंगे क्रीम। क्रीम अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा लगानी, ज़्यादा या कम लगानी, जैसे कस्टमर की डिमांड है उस हिसाब से लगा रही। मेरे कस्टमर कैसे कुछ खास डिमांड नहीं है, तो मैं नॉर्मल ही क्रीम इस पर लगा रही हूँ। और इसके बाद फिर सेकेंड लेयर रखेंगे, उसको भी शुगर सिरप से कोट करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड लेयर। इस तरह से मैं तीनों लेयर्स रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों लेयर्स असेंबल कर ली है, और इसकी कर ली है क्रम कोटिंग। और अब मैं 10-15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद मैं इसकी फाइनल आइसिंग करने के बाद मिलूँगी आपको, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं आपको बहुत सारी अपनी अर्लियर वीडियोज़ में ये सारे प्रोसेस दिखा चुकी हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में, और इसको बाद मिलती हूँ मैं आपको फाइनल आइसिंग करने के बाद। जी फ्रेंड्स, मैंने इस केक की फाइनल आइसिंग भी कर ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने वो सब प्रोसेस इसमें नहीं दिखाया, बट हाँ, मेरे अर्लियर बहुत सारी केक की वीडियोज़ हैं, उनमें आप ये सब प्रोसेस देख सकते हैं। अब इसमें जो रेड वेलवेट केक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर फिनिशिंग नहीं हो पाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जितनी हो सकती है उतनी फिनिशिंग कर लीजिए। और उसके बाद क्योंकि हम इसके ऊपर डालने हैं क्रम्स, तो ये जो हमारे पास चीज़ ऊपर का हमने पीस कट किया था ना, इसके हम क्रम्स बना लेंगे, और इसको हम इस पर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्रम्स पर डालने का सबसे आसान सा मेथड मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा पीस ये कट किया, उसमें से तोड़ा, और ये छलनी, मोटी छलनी ली इसके ऊपर, और इसको इस तरह से क्रम्स कर लेंगे। यदि आप इसमें कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं बीच में, तो बीच से इसे वाइट रखना चाहते हैं, तो प्लेट या कटोरी वगैरह रख के उसको भी रख सकते हैं। जैसे कि मेरे आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे मेरे चैनल में, बहुत सारे रेड वेलवेट केक के डिज़ाइन हैं, और यदि आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, पर जो डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो पहले मैं इसको इस तरह से अच्छे सब तरफ से क्रम्स कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स जो डिज़ाइन मैं बनाने जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं दो हार्ट शेप के दो कटर हैं, एक क्विक कटर है, एक बड़ा है एक छोटा है, इनको मैंने इस तरह से रखा है। मेरी कोशिश होगी कि इसे बीच में ना डालूँ, मैं क्रम्स सब तरफ चारों तरफ इसमें डाल लूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने कुछ क्रम्स इस तरह साइड में डाल दिए, कुछ ऊपर डाल दिए और जितना थोड़ा सा क्रम्स मैंने साइड में इस तरह करके डाल दिए हैं। और अब मैंने लिया है एक स्पैचुला, स्पैचुला की हेल्प से, साफ स्पैचुला आप देख सकते हैं, इसकी हेल्प से मैं हल्का हल्का सा इसको इस तरह से यहाँ से इस पर लगाती जा रही हूँ, उससे थोड़ा सा और क्रम्स लग जाएंगे और ये देख सकते हैं इस तरह से और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और ये क्रम्स जो है हमारे इस तरह से मैं लगाती चल जा रही हूँ, देखिए तो मैं इस तरह से इस क्रम्स को इस तरह से सेटल करती जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह सब तरफ से इसको कवर कर लिया है और जो एक्स्ट्रा था ना, जो हमारा एक्स्ट्रा क्रम था उसको हटा लिया। और अब मेरी बारी है जो हमने रखे थे ना शेप, इनको इस शेप के अंदर ही जो शेप बन गई आप देख सकते हैं, अब इस शेप के अंदर हम डालने हैं ये अपनी, मतलब डिज़ाइन आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। जो मैं बना रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा ये हटा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना फिर क्रीम नहीं लग पाती है, जो डिज़ाइन मैं लगा रही हूँ उसकी उसके लिए हमें नीचे क्रम्स नहीं चाहिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारे क्रम्स पीस से हटा दिए हैं इस तरह से टिश्यू पेपर हटा, और अब देख सकते हैं मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम, वाइट क्रीम, और इसमें मैंने ये जो नोज़ल है कोई सा भी नोज़ल आपके पास जो है उसे लगा लीजिए। तो ये देख सकते हैं ये मैंने ओपन स्टार नोज़ल लिया है। और सबसे पहले मैंने जो हमने जो हार्ट से शेप ली थी ना इनकी हम बाउंड्री को इस तरह से करेंगे और आराम से इस तरह से शेप मेंटेन करेंगे। देख सकते हैं यदि क्रम्स होते तो क्रम्स पे चिपक जाता है, ये क्रीम चल नहीं पाती, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम निकाल दी। आप देख सकते हैं जी अगर आ रही है ना तो इसको इस तरह हटा दीजिए और फिर अगली क्रीम डाल दीजिए इस तरह से। तो लीजिए फ्रेंड्स ये मैंने कर लिया और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा मैसी सा हो गया है किचन में। किसी भी वीडियो में आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाऊंगी, ये केक का छोटा सा काम जो दिखता है ना बनाने में, इसको बनाने में के बाद कितना फैल जाता है, कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है, किसी वीडियो में मैं आपको जरूर वो भी शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं ये कर लिया मैंने, इस तरह से साइड का बॉर्डर भी कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने केक को कर लिया है कंप्लीट। आप चाहें तो आपके पास यदि चॉकलेट गार्निश है तो भी लगा सकते हैं, वैसे चॉकलेट गार्निश वाले मैं काफ़ी सारे केक बना चुकी हूँ। आज मेरा ये डिज़ाइन बनाने का मन था, मैंने ये डिज़ाइन शेयर किया आपके साथ। बीच में मेरे पास ये जो हमारे सिल्वर स्प्रिंकलर्स हैं, मैंने सिल्वर स्प्रिंकलर्स डाल दिए स्पेशली वहाँ जहाँ मुझे थोड़ा गैप लग रहा था। और आप देख सकते हैं केक का आपका देख सकते हैं पूरा और कंप्लीट आउटलुक अभी कैसा लग रहा है आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारी बिगनर्स के लिए भी बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे हैं जो भी कोई बिगनर है वो उसको बड़े आराम से बना सकता है। बहुत सारे केक की रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है, एक बार विजिट तो केयर करके देखिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी लेके आती हूँ एक और नई वीडियो। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक लेके बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।